जब भी बात बॉलीवुड इंडस्ट्री के अमीर एक्ट्रेस की आती है तो उनमें सबसे ऊपर नाम अभिनेता सलमान खान का ही लिया जाता है। अब ये कमाते ही इतना ज्यादा है कि इनके पास फिल्म इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स से ज्यादा धन दौलत है, इसलिए तो फोर्ब्स मैगजीन में इन्हें भारत का सबसे अमीर एक्टर घोषित किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि भारत के ही सबसे अमीर एक्टर आखिर इसी तरह से अपनी दौलत को उड़ाते हैं? किस तरह और कहाँ कहाँ ये अपना पैसा खर्च करते हैं, नहीं जानते? तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि भारत के ये सबसे अमीर एक्टर यानी कि सलमान खान आखिरकार किस तरह से अपनी करोड़ों रुपए की दौलत को उड़ाते हैं, जिसे जानकर आप भी बिल्कुल हैरान रह जाने वाले हैं। तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको सलमान खान के इन्हीं सब बातों से रूबरू करवाने वाले हैं। और साथ ही आप सल्लू भाई यानी कि सलमान खान के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार भले ही जितना भी कमा लें, लेकिन कमाई के मामले में सलमान खान उनसे और बाकी एक्टर से हमेशा ही आगे रही हैं। फिल्म चाहे कैसी भी हो, हर फिल्म में काम करने के लिए ये फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 50% हिस्सेदारी मांगते ही मांगते हैं। और सभी जानते ही हैं कि इनकी फिल्में 100 करोड़ रुपये तो आसानी से कमा ही लेती हैं, जिससे कि एटलीस्ट 50 करोड़ रुपये तो ये हर फिल्म में कमा लेते हैं। वही बिग बॉस और टीवी एड्स के साथ साथ ये हर साल 130 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। इसी तरह से इनकी साल भर की कमाई 400 से 500 करोड़ तो हो ही जाती है। लेकिन सलमान खान साल भर बेशक कितना ही क्यों ना कमा ले, ये हमेशा ही अपनी कमाई का 90% हिस्सा दान में दे देते हैं, यानी कि चैरिटी में दे देते हैं। मुंबई में चलने वाली कई एनजीओस के ये फाउंडर हैं और अपनी कमाई का 90% हिस्सा ये उन एनजीओस से जुड़े लोगों और बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा देते हैं और 25% कमाई का हिस्सा अपने ऊपर और अपने शौक को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। बता दें कि सलमान खान महंगी गाड़ियों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं और इसीलिए तो इनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज़, रोल्स रॉयल्स और बेंटले और साथ ही ऑडी जैसी कई लग्जरियस गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 28 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा इनके हैंड वॉच का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है। यही कारण है कि इनके पास रोलेक्स जैसे ब्रांड की हैंड वॉच शामिल है, जिनकी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए की है। और हर साल अपने इस कलेक्शन में ये नई और लग्जरियस हैंड वॉच को ऐड कर लेते हैं। वहीं हर महीने ये अपने परिवार के साथ अब्रॉड भी घूमने जाते रहते हैं, कभी दुबई तो कभी सिंगापुर। और अपने इसी अब्रॉड ट्रिप पर ये हर महीने 5 से 10 करोड़ रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। वहीं सलमान खान अपने प्यारे कुत्तों की सेवा में हर महीने करीब 2 लाख रुपए तो आराम से उड़ा देते हैं। और इस तरह से ये अपने हर शौक को और गरीबों की मदद करके अपने करोड़ों रुपए की खर्च करते हैं। लेकिन इस तरह से ये सिर्फ अपनी कमाई को एक तरीके से ठिकाने लगाते हैं, असल कमाई तो ये प्रॉपर्टी पर खर्च करते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सलमान खान करीब 260 रुपए की प्रॉपर्टी के अकेले मालिक बन गए हैं, जिसमें शामिल है इनका बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में बना 30 करोड़ का फ्लैट, 80 करोड़ का अर्पिता फार्म हाउस और साथ ही देश के कई बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ में करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, जिन्हें देख रेख और मेंटेन पर यह हर साल तकरीबन 100 से 200 करोड़ रुपए यूं ही उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, सलमान खान की अमीरी के बारे में जानकर आपका क्या कुछ रिएक्शन है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें अपनी राय और रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही और चटपटी और अनसुनी खबरों को जानने और पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।